हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई ऑनलाइन क्लास क्लास 8 चैप्टर 2 कंटिन्यू हम डिस्कस कर रहे थे। टुडे वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 3। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इंटरचेंज द डिजिट व्हेन वी इंटरचेंज द फाउंड दैट द रिजल्ट द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, इससे पहले भी हमने एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस की थी। जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उसको अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज अटेंड करना होता है। जो गिवन नहीं होता हमारे पास उसे हम अज्यूम करते हैं और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसको अटेंड करते हैं। अब यहाँ पर गिवन नहीं है टू डिजिट नंबर। लेट द टू डिजिट नंबर इज एक्स वाई। हमने क्या अज्यूम कर लिया? टू डिजिट नंबर एक्स वाई। अब देखिए, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 75 टू डिजिट नंबर है। अब ये प्लेस वैल्यू को अकॉर्डिंग 1 प्लेस पर 5 एंड 10 प्लेस पर क्या है 7। तो एक्चुअली हम इसको कैसे राइट करेंगे? 5 × 1 प्लस, ये तो 1 प्लेस करें तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, 7 10 प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 7 × 10 प्लस 5 × 1, इस चीज को आपको याद रखना है 1 प्लस के ऊपर। ऐसे यहाँ पर हमारे पास द टू डिजिट नंबर इज एक्स वाई है। तो एक्चुअली मैं प्लेस वैल्यू का अकॉर्डिंग इसको मैं कैसे राइट करूंगा? 110, इट मींस 10 एक्स से मल्टीप्लाई, 10 एक्स हो जाएगा प्लस वाई, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वाई बन जाए वाई, ये वाई। तो इसको एक्चुअली में ऐसा राइट करेंगे प्लेस वैल्यू का अकॉर्डिंग। अब आगे रीड करते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू नंबर इज 9। अब दोनों डिजिट का सम कितना है हमारे पास? 9 है। x प्लस 5 इक्वल टू 9। सही क्वेश्चन फर्स्ट। अब आगे रीड करते हैं। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, x y को अगर इंटरचेंज करें, इट इज फाउंड दैट द रिजल्ट रिजल्टिंग न्यू नंबर। पहले इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज द डिजिट्स, तो इंटरचेंज करने पर आएगा हमारे पास x को बाद में 5x, जस्ट इसको इंटरचेंज करना है प्लेस वैल्यू को। तो अब इसको भी एक्चुअली में कैसे राइट करेंगे? 110, y को 10 से मल्टीप्लाई होगा इट मीन्स 10y प्लस x 1 से मल्टीप्लाई होगा इट मीन्स x। अब इंटरचेंज करने पर रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। जो ये न्यू नंबर मिला है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10y प्लस x न्यू नंबर है, वो ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा है? 27। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास 10x प्लस y, और इससे कितना ज्यादा है? 27। ये इक्वेशन बनेंगे हमारे पास। अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन से आप या तो x की वैल्यू फाइंड करें या y की वैल्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगा हमारे पास 9 प्लस का y को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का। इट मीन्स x की वैल्यू इसमें आप क्या पुट कर सकते हो? 9 माइनस 1, क्योंकि हमें वैल्यूज फाइंड करना है तो इंटरचेंज तो हमें करना ही पड़ेगा वैल्यूज के अकॉर्डिंग। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस 1 पुट करते हैं। 10y यहाँ पर आपको x नजर आया, वहां पर आपको क्या पुट करना है? 9 माइनस y इज इक्वल टू 10, 9 माइनस y प्लस 27। x की जगह आपको आपने क्या रिप्लेस कर दिया? 9 माइनस 1। अब सिंपलीफाई कर देते हैं इसको। 10 में से 1y माइनस करेंगे तो 9y प्लस 9, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे 10 × 9 90, माइनस 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 5 प्लस 27। 9y इज इक्वल टू 9y इज इक्वल टू, अब देखिए कांस्टेंट 10 और 90 और 27 कितना हो जाएगा हमारे पास? प्लस करके 170।
ये माइनस ये प्लस, टेन में से वन वाई माइनस करेंगे तो माइनस का नाइन, क्योंकि बड़ी वाली जो जो डिजिट है वो नेगेटिव है तो माइनस का नाइन है। अब माइनस के नाइन वाई को इधर ट्रांसफर करेंगे, अभी जो कॉन्स्टेंट है उसको आर एच एस में ट्रांसफर करेंगे तो वैल्यू क्या आई हमारे पास, देखिए इधर सिंप्लीफाई कर लेते, नाइन वाई माइनस का नाइन वाई को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का नाइन वाई हो जाएंगे इज इक्वल 117, प्लस के नाइन को इधर आर एच एस में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का नाइन हो जाएंगे, नाइन प्लस नाइन 18 वाई इज इक्वल 117 में से 9 माइनस करेंगे 108, और 18 मल्टीप्लाई में आर डिवाइड में y इक्वल टू 108 अपॉन 18, ये कैंसिल हो रहा है 6 टाइम्स, देन जो y की वैल्यू है हमारे पास कितनी है 6। अब जो y की वैल्यू 6 आई आपके पास, y की जो वैल्यू 6 आई उसको इक्वेशन फर्स्ट में देखिए x इक्वल टू हमारे पास 9 माइनस वाई इसमें पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 9 माइनस 6 इट मीन्स 3, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, और जो हमने डिजिट अज्यूम की थी वो है हमारे पास एक्स वाई, टू डिजिट नंबर x y, तो वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 एंड y की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, लेकिन वो ये भी बोल रहा है साथ में इंटरचेंज, इंटरचेंज तो इंटरचेंज भी हो सकता है और y x भी हो सकता है, इट मीन्स वैल्यू ऑफ y 6 एंड वैल्यू ऑफ x 3, तो 36 एंड 63 दोनों ही हमारे पास बहुत आंसर, दोनों आंसर